इसी विजयगढ़ में जन्म ले चुकी थी इस जादुई दुनिया की सबसे बड़ी मायावी गाथा चंद्रकांता। ये उसी चंद्रकांता की कहानी है, पर इस कहानी से पहले शुरू हुई उस रानी की कहानी जो थी चंद्रकांता की माँ, रानी रत्नप्रभा, विजयगढ़ की सबसे बड़ी अयारा, विजयगढ़ की ढाल, क्योंकि उसके पास था भगवान विष्णु का वो वरदान, वो तिलिस्मी खंजर। और आज वो वक्त आ गया था विष्णु के इस वरदान को इसके अगले उत्तराधिकारी को देने का, और यही वो वक्त था जिसने चंद्रकांता की तकदीर और नियति दोनों बदल दी। हमने अपने राजघराने की परंपरा और आपके इस तिलस्मी खंजर की रक्षा की, एक रानी और अय्यारों की मुखिया होने की जिम्मेदारी पूरी की। अब वक्त आ गया है कि ये तिलस्मी खंजर उस इंसान के पास जाए जो सबसे ज्यादा सक्षम हो, सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा, सबसे ज्यादा बहादुर होगा, जो सबसे शक्तिशाली अय्यार होगा। प्रभु, आज से 21 साल बाद ये प्रथा दोहराई जाएगी। मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही विनती है, अगर हमारी बेटी अपनी वीरता और शूरता से आपको प्रसन्न कर दे तो आप उसे वरदान जरूर देंगे। रत्न प्रभा, आज अब अपनी सारी शक्तियां इस तिलस्मी खंजर को वापस दे रही हैं। अब धीरे धीरे आपकी सारी शक्तियां चली जाएंगी। आप भी हमारी तरह एक साधारण इंसान बन के रह जाएंगी। अब हम जादू नहीं, प्यार करना चाहते हैं अपनी बेटी से और आपसे। हम चाहते हैं कि जब हमारी बेटी बड़ी हो तो उसके साथ एक अय्यारा नहीं, उसकी माँ खड़ी हो। महाअय्यारा विशाखा की जय। महाअय्यारा विशाखा की जय। प्रतियोगिता शुरू की जाए। वंदे विष्णु, वंदे विष्णु, वंदे विष्णु, वंदे विष्णु। अय्यारों की प्रतियोगिता, वो भी रानी इरावती के बिना। तुम यहाँ? रानी इरावती बिन बुलाए कहीं नहीं आती। लेकिन हमने तो तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। आप क्यों देंगी मुझे निमंत्रण? आपकी बहन विशाखा जो ये प्रतियोगिता लड़ रही है। यहाँ फैसला निष्पक्ष होगा। तिलिस्मय खंजर उसी को मिलेगा जो ये प्रतियोगिता जीतेगा। तो मैं जीतने आई थी राजा जी के निमंत्रण पर।
अय्यारों के भी नियम हैं और हम किसी अय्यार को इस प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक नहीं सकते। राजा जी, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे ये औरत कुछ गलत करने वाली है। रानी साहिबा, आप चिंता मत करें, मैं हूं ना। अब प्रतियोगिता आरंभ करते हैं। जादू को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाए, इसीलिए मैं जीती और तुम हारी। मैं जीत गई रानी रत्नप्रभा। अब ये खंजर मेरा है। लाइए ये खंजर मुझे दे दीजिए। क्या बात है, ये खंजर देने में आपके हाथ कांप रहे या आपका दिल? क्या अब भी मैं इसके काबिल नहीं? राजा जी, मैं आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहती हूँ। इरावती इस खंजर के काबिल नहीं है। रत्ना, इरावती अब बदल चुकी है। आपने देखा नहीं कैसे उसे अपने पति सुरेंद्र सिंह की कितनी फिक्र है, अपने सौतेले बेटे वीर को कितने नाजों से पाल रही है वो? क्या पता ये उसके अच्छे कर्म है या हमारा भरम। मुझे सिर्फ इतना पता है, ये हमारा धर्म है और हमें अपने इस धर्म को निभाना चाहिए। उस दुष्ट इरावती के लिए, वो भी नवगढ़ की रानी है। रानी बनी है राजा सुरेंद्र सिंह को अपाहिज और लाचार बनाकर, उनकी पत्नी की जान लेकर, मार के नहीं बचा के। राजा सुरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी और उनके बेटे को काले जंगलों के काले सायों ने दबोच लिया था। उन काले सायों को काटने के लिए मुझे काली शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा रत्नप्रभा। अफसोस, ना ही मैं इनकी पत्नी को बचा सकी, ना ही इनको अपाहिज होने से, पर मैंने इनके बेटे वीर को बचाया और सिर्फ वीर के कारण मैंने इनसे विवाह किया। रत्नप्रभा, पुरानी कहानियों को अफसाना नहीं बनाते, अगर कुछ बनाना ही है तो एक नया रिश्ता बनाते हैं, मेरे बेटे वीर का और तुम्हारी बेटी का रिश्ता। हमारी बेटी मिलेगी और ना ही तिलस्मी खंजर। ये खंजर उसके पास जाएगा जो इसके काबिल है। तब तक ये तिलस्मी खंजर विष्णु जी के मंदिर में रहेगा, सुरक्षित। लेकिन तुमने तो कहा था कि जो भी ये प्रतियोगिता जीतेगा उसे ये खंजर मिलेगा, और मैं ये प्रतियोगिता जीत चुकी हूँ। तुम प्रतियोगिता जीत चुकी हो लेकिन हमारा विश्वास नहीं। रानी रावती, अभी बहुत रात हो चुकी है, आप आज यहीं रुक जाइए,
मैं कल सुबह रानी रत्ना से बात करूंगा। प्रभा ने अपने बेटे का रिश्ता ठुकरा दिया। 21 साल बाद वो तिलस्मी खंजर उसकी बेटी को मिलेगा। सोचा था उसकी बेटी को अपनी बहू बनाऊंगी, ता कयामत तक उस तिलस्मी खंजर की शक्तियां मैं अपने वश में रखूंगी। मैंने तो वो प्रतियोगिता भी जीत ली थी, लेकिन वो रत्न प्रभा खंजर देना तो दूर, उसने मुझे खंजर के पास तक नहीं जाने दिया। मत जाना, पास भी मत जाना। उसी के लिए तो आई हूं मैं। तू नहीं, तेरी मौत तुझे यहां लाई है। तू मरेगी। तुझे तेरी मौत का चेहरा दिखाऊं? जादू, इसे इसकी मौत का चेहरा दिखा। तेरी मौत। नहीं, वो मुझे मारे इससे पहले मैं उसे मार दूंगी, उसकी बेटी को ले जाऊंगी। 21 साल बाद उसे मिलने वाले उस तिलस्मी खंजर की शक्तियां मेरी होंगी, मेरी। जाओ विजयगढ़ पर तैनात मेरे सैनिकों को कह दो, एलानी जंग आग लगा दूंगी। देखा, कहा था ना मैंने आपको, दिखा दिया ना उसने अपने असली रंग, कर दिया ना आक्रमण। हम हैं आपके साथ, हम छोड़ेंगे नहीं इसे। नहीं आजादी, तिलस्मी खंजर को तिलस्मी मंदिर और अपनी बेटी को किसी सुरक्षित जगह पहुंचाने के बाद ही कुछ कहेंगे। साथ लड़ेंगे राजा जी, अगर तिलस्मी खंजर ईरावती के हाथ लग गया तो वो तबाही मचा देगी तीनों लोगों में। कुछ भी हो जाए, मैं ये तिलस्मी खंजर उसके हाथ नहीं लगने दूंगी। मैं फिर से कह रही हूं रत्ना, ये खंजर मुझे दे दो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। रत्न प्रभा, तुम जाओ यहां से।
मैं देखता हूं इसे। सिपाहियों आक्रमण! तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी बेटी और तिलस्मी खंजर को बचाओ, भागो। तिलस्मी खंजर, बेटी का हाथ दे देती, कम से कम इतनी दर्दनाक मौत तो नहीं मरती मेरे हाथों। अब मरो, उसके बाद मैं तुम्हारी ये बेटी और तिलस्मी खंजर दोनों ले जाऊंगी। लड़ोगी मौत से, हार मान लो। ना आज तक तुमसे हारे हैं, ना आज हारेंगे। हम लड़ेंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। वंदे विष्णु। आज कहर बरसा है रमजी, हमारी बेटी को यहाँ से कहीं दूर लेकर जाओ। अब हमारी बेटी यहाँ सुरक्षित नहीं है और इसकी रक्षा अब हम भी नहीं कर सकते।
हमें इतना वचन दो रिमझिम की कि हमारी हमारी जिएगी। वचन दो रिमझिम। हमें माफ कर देना, हम तो तुम्हें एक नाम तक नहीं दे पाए, हमें माफ कर देना। लेकिन आज तुम्हें अपनी माँ को एक वचन देना है। तुम्हें वापस आना ही होगा और विजयगढ़ को ईरावती के चुंगल से छुड़ाना होगा। आज से 21 साल बाद अगर विजयगढ़ की जीत होगी तो वो सिर्फ तुम्हारे हाथ होगी। अगर वो भाग गई तो सब मरोगे। जाओ ढूंढो उसे, कहीं से भी ढूंढ निकालो उसे, पानी में ढूंढो, नदी में आग लगा दो, लेकिन ढूंढ के लाओ उसे। रिमझिम, इसे सूर्यगढ़ लेकर जाओ। ये तिलस्मी खंजर ईरावती के हाथ नहीं लगना चाहिए। 21 साल बाद ये खंजर उसी को मिलना चाहिए जो इसका असली हकदार हो। वंदे विष्णु, वंदे विष्णु, वंदे विष्णु, वंदे। ये तिलस्मी खंजर और इसकी सारी शक्तियां मेरी, सिर्फ मेरी। त्रिलोक स्वामी, इस खंजर को अपनी शरण में ले लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है, एक दिन हमारी बेटी अपने आप को इसके काबिल जरूर बनाएगी। लेकिन तब तक ये आपकी धरोहर है। वंदे विष्णु, वंदे विष्णु, वंदे विष्णु।
थाली में अन्न शैतान का घर, विष्णु का फल ना सही, मैं का छिलका तो है, छिलके में भी बहुत शक्ति है। तिलस्मी खंजर उड़ गया, वापिस आएगा तुझे उड़ाने के लिए। अच्छा देख देख, मैंने अपनी मौत को मार दिया, रानी रत्नप्रभा को मार दिया। क्या कहा था तूने, आज रात को मेरी मौत आएगी? तेरी मौत आ चुकी है, आके यहाँ से जा चुकी है। मतलब तुझे मारने वाली अब भी जिंदा है वो रत्नप्रभा? नहीं, उसकी पेटी। पर तूने तो कहा था कि मेरी मौत ये रानी। मैंने कब नाम लिया था, तूने मुझे बोलने ही कहा दिया था? तू तो अपनी मौत को देखते ही नाचने लगी थी। आई ना, मैं आग लगा दूंगी तुझे, आग। पूछ पूछ अपने जादू से, पूछ के वो बेटी कहाँ है उसकी, पूछ। वो वहां है जहां इस जादू की नजर भी नहीं पहुंच रही। वो है पर नजरों से ओझल है। कब तक ओझल रहेगी? मैं हर राज्य पर आक्रमण कर दूंगी, जब कोई छोटी बच्ची ही नहीं रहेगी तब मेरी मौत कहां से आएगी? वो मेरी मौत नहीं, मैं उसकी मौत हूं। मौत। भीमा, भीमा, ना हमें मछली मिल रही है, ना हमारे पास पैसा है, ऐसी कैसी चलेगी हमारी जिंदगी? और बच्चे के बिना तो रुचि। हाँ? पंडित जी ने बोला था ना, जब बच्चा आएगा। कब आएगा बच्चा? क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी? नहीं 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 रुचि, रुचि देख, मैं बोल रहा हूँ बच्चा आएगा, और अगर भगवान को देना होगा ना, समंदर का सीना चीर कर आएगा। भीमा, विष्णु जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरी प्रार्थना सुन ली। हे वंदे विष्णु, हे ईश्वर, आपने ये बेटी हमें सौगात में दी है, पूरे चांद की चांदनी में चमकता चेहरा, चेहरे पे चांद की 16 कलाओं की कांता, आज से इसका नाम चंद्रकांता। चंद्रकांता, किस्मत के धारे उसे उसकी जड़ों से बहुत दूर ले गए। एक धनवान रानी की बेटी बनी, निर्धन माता पिता के सिर का ताज। और यहां उसके ही गढ़ में शुरू हो चुका था रानी इरावती का राज। इरावती की जिद थी चंद्रकांता की तलाश, वो शुरू हो चुकी थी। इरावती अपने फितूर में विजयगढ़ के आसपास के सारे छोटे बड़े राज्य जीतती चली गई, और इसी वक्त वो तैयार कर रही थी अपने सौतेले बेटे वीर को जाने किस भयानक साजिश को अंजाम देने। वीर को अपनी माँ से इतना लगाव था कि वो अपनी सौतेली माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आओ बेटा, मैं तुम्हें अपने कंधों पे ले चलूं। नहीं नहीं, मैं खुद चढ़ूंगा, तो ही माँ कहेगी कि मैं ताकतवर हूँ, और फिर वो मुझे वो वाला दूध देगी। Thank you.
मैंने पूरा पार चढ़ लिया। देखना माँ, एक दिन मैं बहुत ताकतवर बनूंगा, जितना आप चाहती है। शाबाश माँ, मेरा वाला वो दूध जो आप मुझे रोज पिलाते हो, पर वो वाला दूध पीकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब जाओ सो जाओ, तुम्हारे सोने का वक्त होगी। वाह इरावती वाह, सुना था चुड़ैल भी साथ घर छोड़ के वार करती है, बेटे को नशा क्यों पिलाती है? अंदर से खोखला हो जाएगा। लत, लत बहुत बुरी चीज है। जब इंसान को लग जाती है तब वो अपना आपा खो देता है। बस इतनी लत लगाओ कि उसे आदत लग जाए और वो अपने वश में रहे। तू भी नशा करने लगी? ये नशा नहीं जहर है। अच्छा, तो आने वाली मौत से तू इतना डर गई कि मौत से पहले ही जहर पी के मर रही? नहीं, ये जहर उसके लिए जो वीर को मेरे सामने दुम हिलाने से रोक सकता है, राजा सुरेंद्र सिंह। आज मर जाएगा और फिर ये माँ बेटे के सामने मौत के आंसू रोएगी। माँ का दर्द देख के बेटा और बेदर्दी हो जाएगा, चलती फिरती मौत बन जाएगा। केंद्रित करो वीर, दुश्मन की नजर पर नजर रखो। वीर, तुम पैदा तैयार नहीं हुए थे। जादू जादू से नहीं मिलता, सीखना पड़ता है। सीखो। तलवार नीचे क्यों झुकाई? तुम एक योद्धा हो और योद्धा अपनी तलवार तब तक नीचे नहीं झुकाता जब तक वो अपने विरोधी को खत्म नहीं कर देता। मार दो उसे। वो तो निहत्ते हैं और मेरे गुरु हैं, भला मैं उन्हें कैसे मार दूं? क्या कहा तुमने, निहत्ते हैं? मत भूलो वीर के तुम्हारे पिताजी भी निहत्ते लड़ाई कर रहे थे एक राजा से। क्या हुआ? उस राजा ने उनको अपाहिज कर दिया। अपाहिज? पूरी जिंदगी अपाहिज राजा बन के रह गए, ना राज कर सके ना कुछ, और ऐसे ही मर गए। तुम अपने पिताजी की तरह मरना चाहते हो? तुम्हारी माँ के मौत के बाद तुम्हें किसने पाला? आपने माँ। माँ का प्यार चाहिए? हाँ माँ। तो माँ जो चाहती है उसे वो दो, जो कहती है वो करो। मार दो उसे, मार दो उसे। घर में अगर कुत्ता रखती तो रोटी के लिए जबान लड़ाता। शेर है ये शेर, इसे शिकार सिखा रही हूँ। सारी गलत चीजों की लतें डाल दी हैं मैंने, शराब शबाब नशा सब कुछ, पर इतना मजबूत बना दिया मैंने इसे कि ये कभी भी किसी के सामने कुत्ते की तरह दुम नहीं हिलाएगा। सिर्फ
मेरे सामने अपनी दुम हिलाएगा। वीर की शिक्षा बढ़ती गई और ऐसे ही कुछ साल और बीत गए। वीर और जवान हो गया। वीर में इतनी वीरता थी कि उसकी सौतेली माँ बहुत खुश थी। इरावती को नहीं पता था कि उसकी मौत कहीं दूर जवानी का रूप ले रही थी। चंद्रकांता, चंद्रकांता उठो बेटा। मुश्किल से 7 दिन हुए हैं राजमहल में काम लेकर। इसी तरह से देर से जाती रही तो काम से निकाल देंगे। चलो उठो, तैयार नहीं होना है। माँ क्यों उठाया मुझे? पता है कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं। मतलब कि सपना तोड़ दिया। लेकिन सच बात तो ये है कि हम गरीब मछुआरे हैं, तुझे अय्यारी नहीं सिखा सके। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अपने माँ बाबा के लिए काम कर देती हूँ, उनकी मदद कर लेती हूँ, उससे भी बड़ा सपना पूरा हो गया मेरा। सची मुची। विष्णु जी तेरी जैसी बेटी सबको दे और आपके जैसे माँ बाबा भी सबको मिले। माँ देर हो रही है। हाँ, अच्छा जाती हूँ।
थे तुम अब तक? शराब का है। मैं तेज सिंह हूँ, तुम्हारा खास है यार। कोई शराब इधर है। सबका चल अब गाना गा और बता कि तू कौन है, नहीं तो ये जहरीला। भोला सूर्यगढ़ से आया था आप पर नजर रखने के लिए, खबर करने कि कहीं आपकी माता सूर्यगढ़ पे आक्रमण तो नहीं करने वाली। आज मेरी माता का जन्मदिन है, मैं उनके जन्म दिवस पे किसी को मौत के घाट नहीं उतारता, तो जा जाके सूर्यगढ़ में ऐलान कर दे कि वीर आ रहा है। सूर्यगढ़ विजयगढ़ से दूर तो था, लेकिन दोनों राज्यों की दुश्मनी बड़ी थी। इरावती आज तक सूर्यगढ़ को जीत नहीं सकी थी, क्योंकि सूर्यगढ़ में काबिल अय्यार थे और था एक अच्छा और सच्चा राज्याधिकारी, उनका राजा अवंतीमाला। हमारे राज्य की दीवारें इतनी अभेद हैं कि हमारे राज्य ने आज तक हार का मुंह नहीं देखा। हम राज्य की सुरक्षा को और बढ़ा देंगे। आत्मन से ही शरीर तो मिला तुझे, मैया इसकी शक्ति से तूने सारे गढ़ जीत लिए सिवाय एक सूर्यगढ़ के। नहीं चढ़ाई तो तूने बहुत की, पर हर बार चिपकली की तरह से गिर गई, मेरा मतलब गिरा दिया। कभी आंधी कभी तूफान कभी बाढ़,
महीनों की तपस्या के बाद इतना तो पता चला है कि तू सूर्यगढ़ इसलिए नहीं पहुंच सकी क्योंकि वो वहां है, वो जादू, तेरा वो काल, रत्नप्रभा की बेटी वहां है सूर्यगढ़ में। तेरी मौत, मैं उसका चेहरा तो नहीं देख सकती पर तेरी कयामत का भविष्य सूर्यगढ़ में है और जो भी उसे पकड़ लेगा वही तुझे तेरी मौत से बचाएगा। वीर एक बार जहां से गुजर गया दोबारा वहां से नहीं गुजरता। वीर ऐसा कोई है जिसका तुमने दिल नहीं तोड़ा? और कितनों का तोड़ोगे? किसी एक से तो प्यार कर लो। माँ कहती है प्यार करने से इंसान आपने याद किया सूर्यगढ़ में राजकुमारी सोनाक्षी और सताक्षी का अंगरक्षक अय्यारों का चुनाव हो रहा है उनकी रक्षा के लिए और उसके साथ साथ एक प्रतियोगिता भी। आपके बेटे ने पहले ही वहां तूफान भेज दिया है और अब खुद वहां जा रहा है। बस आप सेना को नहीं, परसों से हम उनसे लड़ाई कर रहे हैं लेकिन जीत नहीं पा रहे। पर इस बार जीतना है रण से नहीं नीति से। जाओ उठा लाओ उन दोनों राजकुमारियों को। अपहरण, इस तरह हमें जीत भी मिलेगी और किसी को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। बिना चिंगारी के इस बार हम आग लगा देंगे। आग? जी मां। क्या कर रही है? उठाना ही है तो उससे उठा जो तुझे उठाने वाली है। रत्नप्रभा की बेटी, तू इतना जहरीला सांप छोड़कर ये छोटी मोटी चींटियां क्यों उठा रही है? मैं कब कहां क्या करती हूं अगर ये तुम जानती तो तुम मेरी जगह होती। देखो मैं काली आ गया तुम्हारा जीन उमंग पप्पू नस्त बारूद करते हुए। नस्त बारूद नहीं, नस्त नबूद। हाँ हाँ, आज कितनों गिरा क्या है? ज्यादा नहीं, चार पांच पंछियों को। पर तुम्हें पता है मैंने अब काली उड़ाना सीख लिया है। हाँ वो तो मैंने देखा, पर मुझे तो नहीं गिराओगे ना? पिछली बार गिराया था तो कलाई मुड़ गई थी मेरी। अरे नहीं, आओ तुम। सूर्यगढ़ सबसे अवैध किला है, आज तक हम इसे जीत नहीं पाए। हमें यहाँ छिपकर आना चाहिए था भेस बदल कर ताकि कोई हमें पहचान ना सके, और तुम होके ऐलान कर आए हो। ऐलान के बिना जंग जीती तो क्या जीती दोस्त, फिकर मत कर। वीर है ना, अपना रास्ता खुद ना लेता। तुम दोनों में से कोई भी नहीं। लो आ गई दासी चंद्रकांता। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। हाँ हाँ, हम तो मरी जा रहे थे तुम्हें देखने के लिए। दासी इसे तोड़ के फेंको। आई मेरे को वही
ऐसा क्या बोल दिया तुमने इन दोनों से? सच मुझे पूछा सुंदर कौन, क्या कहता? प्रणाम महाराज। तुम दोनों यहाँ क्यों आए? यार नहीं आयारा। पिताजी, हम दोनों के लिए एक लड़का ही काफी है। नहीं पिताजी, एक लड़की हमारी रक्षा कैसे करेगी? लड़की नहीं आयारा, अय्यारा के पास भी अय्यार जैसी शक्तियां होती हैं। तुम दोनों अपने कक्ष में जाओ, तुम्हारी अय्यारा के चयन होते ही भेज देंगे। जाओ। चंद्रकांता। जी महाराज। आज तुम्हारे लिए एक और काम है। जब तक इन दोनों के लिए कोई योग्य अय्यारा नहीं मिल जाती, आज इनका ध्यान तुम रखो। जी महाराज, मेरे पास जादुई शक्ति तो नहीं है, लेकिन इनके लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। अगर वो विजयगढ़ की सारी लड़कियों को छोड़ देगा तो कहाँ जाएगा सताक्षी? यहाँ आएगा सताक्षी। सुना है कि राजकुमार वीरों का वीर है, उसकी बाहें नहीं तीर है। वो हमें लूटेगा ना? वो हमें लूटेगा ना, आकर लूट लेना। अच्छा सुनना, पिताजी ने ना इस महल की दीवारें तो बहुत मजबूत बनाई है, फिर वो आएगा कैसे, हमको कैसे लूट के ले जाएगा? राजकुमार ने कोई अयानी मिल जाए? हाँ, और वही हम दोनों को उठाकर ले जाए। कौन हो तुम? राजकुमारी के कक्ष में कोई नहीं आ सकता, तुम कैसे आए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, रानी के बीच में नौकरानी।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.